Myself Prem Kumar, and I welcome you all in the celebration of this Janjati Gaurav Diwas in our respected college. Myself Prem Kumar, and I am a first year English honors student. वो कहते हैं ना कि we have to never forget our roots, no matter what, we should be connected to. कि जिसने अपनी जड़ से नाता तोड़ लिया, उसका अस्तित्व का विनाश तय है. बदलते समय के साथ हमारी समाज का स्वरूप बदला है, हमारी सोच और मानसिकता बदली है, पर एक चीज जो नहीं बदली है वो है हमारी संस्कृति की जड़. उदाहरण के तौर पर वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि यह पूरा संसार हमारा परिवार है. जरा सोच कर देखिए कि आज भी हम अपने घर आए मेहमान की वो भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा सत्कार नहीं करते, कि आज भी हमारे अंदर वो आदर भाव नहीं उमड़ता. वो सब हमारी संस्कृति की देन है, वो हमारी खून की कणों में है. वो और उस संस्कृति को संजो कर रखने का और तथा उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करने में एक बड़ा हिस्सा श्रेय का उन लोगों को जाता है जिन्हें ट्राइबल कम्युनिटीज या आदिवासी कहते हैं. वेल, अगर हम उस जगह से शुरुआत करें जिस क्षेत्र से हम आते हैं, आई बिलोंग टू झारखंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स. इट ओवरऑल कंसिस्ट 32 ट्राइबल कम्युनिटीज एंड ऑब्वियसली इट हैज अ वेरी रिच एंड डाइवर्स ट्राइबल हेरिटेज एंड हिस्ट्री. हम उस गांव से आते हैं, हमने वहां 3 ट्राइबल कम्युनिटीज, कोल, मांझी, बिरोल, उनकी जीवन शैली देखी है, उनका पोशाक, उनका भोजन, उनका नृत्य, उनके त्यौहार मनाने का ढंग, वो सारी चीजें मूलभूत हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं. वो प्रकृति की उतनी शिद्दत, उतनी प्रेम से पूछते हैं, हम और आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. वो अपनी संस्कृति की संरक्षण उसी जोरों शोरों से करते हैं जितना वो पहले करते आए थे. और उसी सारे प्यारे आदिवासियों के बीच से हमारे महान एक वीर योद्धा का स्वरूप निकल के आता है, भगवान बिरसा मुंडा. जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा. हम उन्हें पूछते हैं, हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, बिकॉज द वैलर एंड द करेज ही हैड to fight for his people by summoning them in those remote areas of Chota Nagpur region, which was whole covered with the forest with no any telecommunication means, and it was really on a god level. Yes, you heard that right. He ignited the fire for freedom in the people heart before the birth of Sri Bhagat Singh and the arrival of Mahatma Gandhi from South Africa. So, kaun the Birsa Munda? How does an ordinary Birsa Munda designated to a god? Bhagwan Birsa Munda, आदिवासियों के लिए भगवान और अंग्रेजों के लिए शैतान. उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, गांधी बिफोर गांधी. कभी वक्त मिलेगा तो पढ़िएगा जरूर. झारखंड के आज भी अधिकांश पर्यटन स्थल, राजकीय धरोहर, ऐतिहासिक इमारतें सब उन्हीं के नाम पर हैं. वेल, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उलिहता ग्राम झारखंड में हुआ, और इसी दिन हम उनकी गौरव का सम्मान करते हुए, उनको सेलिब्रेट करते हुए जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं. और हम झारखंडवासी उसी सेलिब्रेशन को दुगना करने के लिए झारखंड की स्थापना दिवस भी उसी दिन मनाते हैं. उनकी माता का नाम कर्मी हाटू, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था. वो बचपन में बहुत शरारती थे, उन्हें बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था, और इसी शरारत के कारण उन्हें पढ़ाई के लिए उनके मामा के गांव भेजा गया. वहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई करी, फिर अपने जयपाल लाल, उनके शिक्षक से सुझाव लेकर आगे की पढ़ाई के लिए वो चायबसा गांव आ गए. उस समय अंग्रेजों का शोषण आदिवासियों पर बढ़ता ही जा रहा था. हम और आप इस बात से अवगत हैं कि जंगल और आदिवासी एक अभिन्न अंग है, उन्हें अलग नहीं करा जा सकता. और उस समय रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी. आदिवासियों पर इतना जुल्म करा जा रहा था कि उनको अपने ही खेतों में खेती करने के लिए जमींदारों को टैक्स भरना पड़ रहा था, और जो उपज भी होती थी उसका अधिकांश हिस्सा लगान के तौर पर अंग्रेजों को देना पड़ता था. और उस समय फॉरेस्ट लॉ भी आ गया. अपने जंगल में स्वतंत्रता रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी, उनके रिसोर्सेस यूज करने की अनुमति नहीं थी. वो जो भी अपनी पशुपालन करते थे उनको अपनी इंद्रियों के सुख के लिए अंग्रेज कभी भी कोई भी उठा के लेके चला जाता था. कोई अगर विरोध में आए तो उसे दबा कर मार दिया जाता था. महान चाणक्य ने अपनी किताब में एक बहुत ही दुर्लभ बात कही है कि किसी भी दुश्मन को अगर पराजित करना हो या किसी भी देश को जीतना हो तो आप उसकी संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति दे दीजिए. और बस यही भलीभांति काम अंग्रेज कर रहे थे उस समय, आदिवासियों का धर्मांतरण करके, उनको बहला फुसला कर ईसाई धर्म में लाकर, और अगर वो नहीं आते तो उनको प्रताड़ित किया जाता. आप उनकी दशा का वर्णन इस गीत से लगा सकते हैं जो वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए गाते हैं कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल. जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचे में पटवारी और खेतों में सरकार. अंग्रेजों को इस देश में जीना कितना है मुश्किल. पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में. और इसी सब के बीच बड़े होते हैं हमारे झारखंड के महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा. वो चायबसा में जिस स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे वो एक जर्मन मिशनरी स्कूल था,
और ऐसा नहीं था कि वो उनको कोई शौक था वो बड़ी बड़ी इमारतें देखकर, बट वो सूट बूट वाले टीचर देखकर कि उन्हें उस स्कूल में पढ़ना, नहीं, उनको बस ये जिज्ञासा थी कि आखिर अंग्रेज ऐसा क्या कर देंगे, वो इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी हम पर राज करते हैं। उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म का होना बहुत जरूरी था, तो उन्हें मजबूरन ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, पर उनको अपनी संस्कृति से बहुत लगाव था। वो छुप कर अपने बैग में श्रीमद भागवत गीता और वेद लेके जाते थे, वहां छुप छुप कर पढ़ते थे। उन्हें वहां पता चला कि छात्रों को अपने मूल संस्कृति, मूल भाषा, मूल धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है। उन्होंने गुस्से का कड़वा घूंट पीकर वहां 4 साल किसी तरह गुजारे, पर जब सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने सारे अपने धर्म, अपने स्कूल और अपने धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। 1895 को उन्होंने, जब वो कुछ समय के लिए जंगल में गायब रहे, फिर 1895 को उन्होंने सारे अपने आदिवासी भाइयों को प्रेरित किया अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति के लड़ने के लिए। उन्होंने सारी बुरी आदतें उनको छोड़ने के लिए कहा। उस समय उनको 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया उनके पिता के साथ, और उनको जेल में डाल दिया गया 2 साल के। उनके पिता की मृत्यु जेल में ही हो गई। फिर उन्होंने अपने जोरों शोरों से उलगलान का नारा दिया, जिसका अर्थ था क्रांति। जब वो जेल से लौट के वापस आए, उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों को अपने जंगल, जल, जमीन, संस्कृति के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक नारा दिया, अबुआ राज इत्ते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका अर्थ था अपना राज आएगा और इंग्लैंड की महारानी का राज जाएगा। और बस यही हुआ। उन्होंने अंग्रेजों पर, अंग्रेजों को, जमींदारों को चुन चुन के मारा, जमींदारों के घर जले, करीबन 90 जमींदारों के घर जले थे। उनका आंदोलन पूरे 550 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैल चुका था। अंग्रेजों को कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी, तो उन्होंने बिरसा मुंडा के नाम पर 500 रुपए का इनाम रख दिया, जो आज के जमाने में करीबन 5 लाख होते हैं। वहां से अब जब वो आंदोलन जारी हो रहा था, तो उनके लोगों ने उस 500 रुपए के लालच में आकर उनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी और वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रांची हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया, और उनको जेल से रांची हाईकोर्ट तक पैदल लाया जाएगा, ताकि वो लोगों को सबक दे सके कि अंग्रेजों के खिलाफ जाने का क्या हश होता है। पर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि भगवान बिरसा मुंडा को देखने के लिए इतने लोग आ जाएंगे कि उनको काबू करना संभव हो जाएगा। उनकी मुहिम बिरसा मुंडा को अपमानित करने की उन्हीं पर उल्टा पड़े। उन्होंने, बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को दिखा दिया कि कैसे जुर्म के खिलाफ लड़ा जाता है, कैसे अपनी संस्कृति के खिलाफ लड़ा जाता है। अंग्रेजों ने उनको जेल में ही जहर देकर मार दिया। उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट आई कि उनकी मृत्यु हैजा से हो गई। उनके पार्थिव शरीर को यमुना नदी में बहा दिया गया। उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने कुछ पैसों के लिए उनको अपने दुश्मन के हवाले कर दिया। उनको नमन, उनको सलाम तो खुद प्रकृति करती है। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि बाबू शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, शायद उन्हीं की जीवनी को देखकर लिखा गया होगा। कोई अगर पूछे कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे तो बता दीजिएगा, 25 साल की उम्र में जिन्होंने 200 साल की पुरानी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले आदिवासी योद्धा थे। सो दिस वाज ऑल अ वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑन आवर बिलव ग्रेट वॉरियर भगवान बिरसा मुंडा। आई वुड लाइक टू रैप अप दिस विद अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम डेडिकेटेड टू दिस ग्रेट वॉरियर बाय रामाकांत चौधरी। की क्रांति की अमित कहानी था, वह वीर बहुत अभिमानी था, डरा नहीं वो गोरों से, लहजा उसका तूफानी था, जल जंगल धरती की खातिर जिसने सब कुछ वारा था, क्रांति बसी थी रग रग में वह जलता हुआ अंगारा था। सन 1875 में जन्म रांची के उलीता ग्राम में, नाम था बिरसा मुंडा जिसका, जो डरा ना कभी संग्राम में, आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है, जिसकी गाथा सुनने से रग रग में साहस भर जाता है। मानवता के विरुद्ध जुर्म जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बिरसा जैसा महापुरुष जुर्म मिटाने आता है। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय जवाहर।